नमस्कार, गोरखपुर समाचार लाइव सेशन के माध्यम से गोरखपुर समाचार की टीम आज गोरखपुर रामगढ़ ताल, जो गोरखपुर का मरीन ड्राइव के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, यहाँ खड़ा है। और काफ़ी मेरे आवाज़ में खरखराहट हो रही होगी क्योंकि हवा के तेज बहने से यह आवाज़ आ रही है। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से जो तारामंडल स्थित यह रामगढ़ ताल है, इसकी सफाई हो चुकी है, जलकुंभी निकल चुकी है। एकाध जलकुंभी कहीं कहीं पड़ी हुई दिखाई दे रही है, नहीं तो बहुत अधिक संख्या में इसमें प्रायः जलकुंभी भरी रहती थी। और मैं दिखाना चाहता हूँ सुदूर यह ब्लू, जो रेडसन ब्लू होटल है, यह दिखाई दे रहा है। ऊंची अट्टालिकाएँ दिखाई दे रही हैं और ठीक हमारे सामने मोहद्दीपुर स्थित ये सभी चौराहों के होटल दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ माधव झारखंडी होते हुए लगातार बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। और पानी को आप देखिए, दम नीला दिखाई दे रहा है, नीला है पूर्ण रूप से। और एक अपनी अनुपम छवि को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रेलिंग्स लग गई हैं, यदा कदा गाड़ियाँ इसमें चली जाती थी, लोग लेके गिर जाते थे, इससे बचाव के लिए रेलिंग लग रही है। और जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है ठीक सामने, यहाँ पे एक पट्टी बनाने का कार्य किया जा रहा है। और महानगर से तमाम लोग आ रहे हैं, यहाँ घूमने का स्थान है। और हरियाली के मामले में मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा यह एक ग्रीन पॉइंट है। और साथ ही साथ जो पत्थरों के ब्रिक्स लगाए गए हैं, यह इस पानी से टकरा करके एक हिलोरा पैदा कर रहे हैं, मन को आह्लादित करने वाला यह दृश्य है। और गोरखपुर महानगर में अगर कोई घूमने की अच्छी जगह है तो आप आइए। और दोपहर में अगर आते हैं तो भी हवा बहुत तेज़ चल रही है, पूरब की हवाएं चल रही हैं और लगातार पानी से टकरा करके मन को आह्लादित करने के लिए देखिए, लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो लोग यहाँ सुबह टहलने आते हैं वो एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया जाता है। और ठीक हमारे सामने जो सड़क जा रही है, यह लेक पॉइंट की तरफ जाती है। और ठीक इधर से जो रास्ता हमारे पीछे आ रहा है, ये गोरखपुर महानगर से आता है। धन्यवाद।